फरीदा धनबाद लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सह बागमारा विधायक झुलू महतो के नामांकन की तैयारी एवं जीत की रणनीति को लेकर बीजेपी के वरीय नेता सह झुलू समर्थक गौतम कुमार ने शर्मा की अध्यक्षता में चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के बादरी सड़क के किनारे एक बैठक आयोजित की गई, जहां जिप सदस्य सह बीजेपी नेता उत्तम कुमार दास, मुखिया मदन चंद्र राजवार समेत झुल्लू के भतीजे प्रेम एवं पंचायत प्रतिनिधि व समर्थक मौजूद रहे। और इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आगामी 30 अप्रैल को झुल्लू महतो नामांकन करेंगे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं झुल्लू समर्थक और आम जनता की भागीदारी रहेगी। कहा, धनबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी झुल्लू महतो जनता के दिल में राज करते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह को धनबाद लोकसभा कि जनता जानते तक नहीं, वो केवल बरसाती मेंढक की तरह वोट के समय कांग्रेसियों ने उतार दिया। आज का बैठक हम लोग यहाँ पर बैठ के किए हैं कि माननीय प्रत्याशी जो हमारे ढुल्लू महतो जी हैं भाजपा से, उनको किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करके, ज्यादा पिछले बार का मार्जिन से भी और ज्यादा कैसे हम लोग मार्जिन उसको मिले, इसीलिए हम लोग का सबका बैठक चल रहा है। घर घर तक पहुंच के हम लोग किस तरह से सभी मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भाई ढुल्लू महतो जी के बारे में, जो कि सारे क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ढंग से स्वागत किया जा रहा है, ऐसा तो किसी प्रत्याशी का स्वागत ही नहीं देखा। कांग्रेस के बारे में आप लोग बात कर रहे, पहले तो वो प्रधानमंत्री चुने कि किसको बनाना है। देखिए, अभी तो हम लोग बैठक इस मतलब जब जो धरातल पे होता है, जमीनी स्तर पे हम लोग बैठक कर रहे हैं। वो जो भी हमारे चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के नजो भाई है और हमारे वरिष्ठ अभिभावकगण हैं, उन सभी से मिलकर आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ढुल्लू महतो जी को बनाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा जनता का अपार प्यार और विश्वास मिल रहा है। ईमानी जंग करने वाले लोगों के बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन धरातल में दिख रहा है और ये सच्चाई है कि पूरे धनबाद लोकसभा के क्षेत्र के 6 विधानसभा की जनता निश्चित तौर पे जवाब देगी और पूरे 8 लाख से ज़्यादा मत देकर श्री ढुल्लू महतो जी को दिल्ली भेजने का काम करेगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, नामांकन की भीड़ पर इतिहास के दौर पर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे ऑल ओवर पूरे झारखंड प्रदेश में श्री ढुल्लू महतो जी के रैली जो होते हैं वो लोग मतलब चर्चा करते हैं दूसरे विधानसभा में।